So yes, students, a very good morning. Good morning, students. गुड मॉर्निंग। Yes, 8th A, am I audible? Raise your hand. 8th A, okay. 8th B, am I audible? Okay. 8th C, 8th C is there? Okay, 8th C has not joined. 8th D, please turn on your camera and 8th G also. Both turn on your camera. 8 G and 8 D, please turn on your camera. Yes. So students, firstly, do confirm me whether I am audible to you or not. So 8 D, am I audible? And turn on your camera, beta. 8 D. Meanwhile, 8 E, am I audible? Raise your hand. Okay. 8 F, am I audible? Okay. 8th G, am I audible? Okay, 8th D now confirm. Am I audible? 8th D. Yes, 8th D. Am I audible to you? Okay. So now let's get started, beta. Sab beta pehle फटाफट बैठो. 8th E, I can see students are roaming here and there. Why so? 8th, why students are roaming in the class? बेटा बैठ जाओ आराम से. 8E, girl. बेटा बैठो. Yes. 8B, बेटा जल्दी से बैठो. मैम क्लासेस कंबाइंड हो रही है। Okay, क्लासेस कंबाइंड हो रही है. ओके okay. ओके सो मीन वाइल सब अपनी नोटबुक निकालो और पेन पेंसिल. ओनली टेक आउट योर पेन पेंसिल एंड नोटबुक. पहले हम टेबल करते हैं. वी आर स्टार्टिंग. नया पेज निकालो बेटा. नया टेबल बनाएंगे. जो हमने परसों बनाया था उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग करा रही हूँ. ठीक है, तो डायग्राम वही रहेगा जो हमने ड्रॉ किया था. ओके, नाउ मेक टेबल. फर्स्टली मेक दिस टेबल. ओके, फर्स्टली ड्रॉ दिस टेबल. ये टेबल बनाओ बेटा फटाफट. 5 कॉलम्स. फाइव कॉलम्स. अगेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द टॉप. सबसे पहले यहाँ क्या प्रेजेंट है बताओ? बेस में क्या प्रेजेंट है? ब्रेन के या स्कल के? पिट्यूटरी ग्लैंड, ग्लैंड. एंड वी कॉल इट आल्सो मास्टर ग्लैंड, मास्टर. बिकॉज व्हाई वी कॉल इट मास्टर ग्लैंड? इट कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ सम अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। रियली गुड. दैट्स गुड. वंडरफुल. एंड अगर इसकी पोजीशन और अच्छे से बतानी हो तो और क्या बता सकते हैं? व्हाट वी कैन से? बिहाइंड आईज द नोज ब्रिज. यस, सो दैट्स गुड. सो फर्स्ट इज पिट्यूटरी ग्लैंड. फर्स्ट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, बेस ऑफ स्कल. और भी कैसे? बिहाइंड ऑफ नोज ब्रिज है ना. देन जो मेन टू हार्मोन्स ये सिक्रीट करता है, फर्स्ट इज ग्रोथ हार्मोन, सेकेंड इज TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन.
और भी करता है FSH, ऑल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स आर सिक्रीट बाय पिट्यूटरी ग्लैंड्स ओनली. नाउ इट कंट्रोल ऑफ बोन्स. ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड ऑल्सो स्टिम्युलेट. स्टिम्युलेट मतलब किसी चीज को एक्टिव करना. स्टिम्युलेट्स थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड ओके. नाउ व्हेन वी आर सेइंग इट कंट्रोल्स ग्रोथ ऑफ बोन्स, अब ये बोन्स की ग्रोथ कंट्रोल करता है. सो डू यू थिंक आवर बोन्स आर ग्रोइंग? यस, है ना. जब हम छोटे थे या फिर हम किसी छोटे बच्चे को देखें, देयर बोन साइज इज डिफरेंट फ्रॉम आर. यस, क्योंकि इनकी बोन्स छोटी है, दैट्स व्हाई दे आर स्मॉल. नाउ वी आर ग्रोन अप. अभी तो आप ग्रो हो रहे हो, बट इफ आई टेक एग्जाम्पल ऑफ माई, सो आई हैव ग्रोन अप. माई बोन साइज अब जो इससे ज्यादा नहीं बढ़ने वाला भी, ठीक है, बट यू आर इन योर ग्रोइंग स्टेज, सो योर बोन साइज इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. सो फॉर दैट ग्रोथ योर पिट्यूटरी ग्लैंड इज वर्किंग. आपका पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पर काम कर रहा है क्योंकि वो ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट कर रहा है. अब लेकिन बेटा, आपने कई लोगों को देखा होगा, दे आर शॉर्ट इन हाइट. यस, एज कंपेयर टू देयर एज. जो उनकी एज होती है, जो हम एज्यूम करते हैं कि अगर 18 इयर्स का बच्चा है, 17 इयर्स का बच्चा है, 15 इयर्स का बच्चा है, वो एटलीस्ट इतना बड़ा होना चाहिए. देयर हाइट शुड बी लाइक दिस, बट इंस्टेड ऑफ दिस दे आर लाइक दिस. वो छोटे इतने हो जाते हैं, उनकी हाइट इंक्रीज नहीं हुई. ऑल दो देयर मेंटल स्टेट इज गुड, ठीक है, वो दिमाग से बहुत अच्छे हैं, माई बी वेरी इंटेलिजेंट देन यू, और वी कैन से देन नॉर्मल पर्सन, दोज हु आर यू नो हैविंग गुड हाइट, बट देयर हाइट इज स्मॉल. वाई देयर हाइट इज स्मॉल? क्यों उनकी हाइट छोटी है? शॉर्ट. वाई दे आर शॉर्ट इन देयर हाइट? यस, 8G. Because बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ग्रोथ हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन नहीं होगा, बोन्स नहीं ग्रो करेंगी. बोन्स ग्रो नहीं करेगी तो वो जो भी पर्सन है वो हाइट में छोटा रह जाएगा. एंड व्हाट डू वी कॉल इट? ड्वार्फ. ड्वार्फ देयर इज अ पर्टिकुलर टर्म. सो नोट डाउन कि अगर हमें ये बीमारी होती है या फिर शॉर्टेज होती है, सो वी सफर फ्रॉम अ डिजीज दैट इज कॉल्ड ड्वार्फिज्म. ठीक है, ड्वार्फ मतलब बोना, ठीक है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं. सो अगर कोई अपनी हाइट से बहुत ज्यादा छोटा है, आई एम नॉट सेइंग कि हाँ 1-2 इंच छोटा है या थोड़ा सा छोटा है, दैट हैपन्स, है ना. क्लास में सभी की हाइट सेम नहीं है, लेकिन अगर आप 8th क्लास में हो, जो हाइट है दैट इज ऑफ 4 स्टैंडर्ड स्टूडेंट, देन इट माइट बी वी कैन से वी हैव टू लुक आफ्टर दैट. But we have to think about this. Why that person is having height of 4th standard? ठीक है, कि 4th standard के बच्चे की जितनी उसकी height क्यों है? Okay? So that time we have to think. Got it? Is it clear? Coming to second. अब हमारे pituitary gland के नीचे हमने कौन सा पढ़ा था जो यहाँ पर present है? Butterfly shaped. थायराइड Thyroid gland. तो thyroid gland यहाँ आपकी जो voice box है ना, अगर आप यहाँ पर हाथ रखोगे बेटा, वॉइस बॉक्स सबको पता है कहाँ पर है? ग्लैंड। अगर अभी आप ऐसे बोलोगे ना, आ सब करो, तो आप और हाथ यहाँ रखो, आपको वाइब्रेशन फील होगी. यू कैन सेंस दैट वाइब्रेशन. करो आ. वाइब्रेशन फील हुई? यस. सो हियर इज योर वॉइस बॉक्स. हियर इज योर वॉइस बॉक्स. एंड वॉइस बॉक्स के जस्ट नीचे यहाँ जो आपकी विंड पाइप है, उसके दोनों तरफ ऐसे करके कौन सा ग्लैंड है? दैट इज योर थायराइड ग्लैंड. तो हमारी हमारी नेक में कौन सा प्रेजेंट है? दैट इज थायराइड ग्लैंड. सो राइट डाउन द सेकेंड वन. राइट डाउन द सेकेंड वन. बेटा श्योर नहीं? श्योर नहीं? अभी मैं आपसे और कुछ नहीं पूछ रही, जस्ट राइट डाउन व्हाट आई आस्क यू टू डू. नाउ सेकेंड इज थायराइड ग्लैंड, वेयर इट इज प्रेजेंट? इन नेक. ठीक है, आपकी नेक में प्रेजेंट है, लेकिन नेक में आपकी प्रेजेंट है, लेकिन अगर आपने किसी को एक्सप्लेन करना हो तो यू कैन से हेयर इट इज प्रेजेंट इन योर विंड पाइप,
यहाँ पर दोनों तरफ उसने बटरफ्लाई की तरह जो हमारे जो है नेक को पकड़ा हुआ है, ठीक है? सो यू कैन एक्सप्लेन लाइक दिस, विच हार्मोन इट सिक्रेट? मैंने लास्ट टाइम आपको दो बताए थे, बोथ आर कॉल्ड थायराइड हार्मोन्स, बट क्योंकि आपके सिलेबस में एक हार्मोन है, तो आई एम नाउट यू नो ओके आई कैन सी इट, जिसे अगेन स्टूडेंट्स आर रेजिंग देयर हैंड। ओके फ्रॉम एट थे, चलो एट थे से पूछती हूँ, फर्स्ट बेंच बेटा, इट सीक्रेट्स टू हार्मोन्स T4 एंड T3। दैट्स गुड, बट इन योर सिलेबस इट्स ओनली थायरोक्सिन। ओके आपके जो सिलेबस में है वो थायरोक्सिन ही बता रखा है, सो आई एम ओनली टेलिंग थायरोक्सिन। और आप अपना बता सकते हो थायरोक्सिन आपने कहाँ पढ़ा है? हु कैन टेल मी? यू ऑलरेडी डिड दिस, सो फ्रॉम एट थे 16th रोल नंबर, एट थे 16th रोल नंबर, कैन टेल मी वेयर यू हैव लर्नड अबाउट थायरोक्सिन? मैम इन द डेवलपमेंट ऑफ टेडपोल्स। Yes, that's really good. Yes, in the development of tadpole, or we can say that development stage is called metamorphosis. So that's good. Sit down, beta. Sit down. So yes, so that's correct. So here thyroxine. So it controls. Likho. Action of various organs of our body. सेकेंड पॉइंट, मैम डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, एंड द लास्ट इज डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। तो हमने असाइनमेंट में जो हमारा रिप्रोडक्शन था उसमें हमने एक क्वेश्चन लिया था जो मैंने लास्ट टाइम भी शायद से डिस्कस किया था, आई डिस्कस विद यू आई एज पर माय मेमोरी, द क्वेश्चन वाज रिलेटिंग टू द टैडपोल स्टेज कि कोई टैडपोल लार्वा है इन अ पॉन्ड बट दिस साइज इज इंक्रीजिंग बट इट्स नॉट कन्वर्टिंग इनटू एडल्ट फ्रॉग स्टेज, व्हाई सो? सो आंसर जो आप ही ने बताया था बेटा स्टूडेंट्स ने, इट वॉज ड्यू टू लैक ऑफ आयोडीन इन अ पॉन्ड वॉटर। तो आयोडीन किस लिए चाहिए? वाई डू वी नीड आयोडीन, और वाई फ्रॉग नीड आयोडीन? बिकॉज आयोडीन इज नेसेसरी, क्योंकि आयोडीन किस लिए जरूरी है? थायरोक्सिन की सिंथेसिस के लिए आयोडीन इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन। अगर थायरोक्सिन नहीं बनेगा तो वो जो नेक्स्ट स्टेज है डेवलपमेंटल स्टेज वो नहीं आ पाएगी, ठीक है? सो दैट्स व्हाई इवन फ्रॉग ऑल्सो, इवन मेनी इंसेक्ट्स ऑल्सो, दे नीड थायरोक्सिन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके अब इसके डेफिशिएंसी से क्या होगा? आपने देखा होगा अपने सिलेबस में भी, ह्यूमंस में अगर आयोडीन की कमी हो जाए मतलब थायरोक्सिन आपका सही से नहीं बन रहा, सो गले के नीचे स्वेलिंग हो जाती है, यहाँ पर अजीब सी स्वेलिंग, इतना बड़ा सा बन के आ जाता है, ठीक है, बॉल्ड शेप, सो दैट इज कॉल्ड गोइटर, सो डिजीज नेम इज गोइटर, राइट डाउन बेटा, इट्स अ गोइटर और स्वेलिंग इन नेक, जिसको हम कह सकते हैं स्वेलिंग इन नेक, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि अब हमारा जो है थायराइड ग्लैंड प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, सो पर्सन कैन बिकम ओबीस, मतलब बहुत ही ज्यादा मोटा हो सकता है, और उसी के कारण जब ज्यादा मोटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? लिथार्जिक, लिथार्जिक मतलब इनएक्टिव, एनर्जी ही नहीं फील करेगा टू डू समथिंग। ओके सो दैट इज व्हाट वी मेंट बाय लिथार्जिक वर्ड, लिथार्जिक मींस फीलिंग टायर्ड ऑलवेज, सो दैट इज बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन्स, ठीक है?
So these are, we already did in the last session also. So it's quick recap of that. Now move ahead with the next hormones. Have you done this? बेटा हो गया? Yes. Shall I move? Yes. Okay. So again, so now third is gland is pancreas. Pancreas is like leaf like, जैसा पत्ते की शेप होती है ना, इट इज लाइक दिस, इट इज लीफ लाइक, पत्ते की तरह होता है, लेकिन होता कहां पर है? ये हमारे स्टमक से होता हुआ यहां पर लीवर तक होता है, मतलब पूरा लीवर नहीं, यहां से स्टमक से होता हुआ लेफ्ट टू राइट, टुवर्ड्स राइट होता है. इट इज हेयर, कैन यू सी दैट वेयर आई एम पॉइंटिंग? इट इज हेयर फ्रॉम लेफ्ट, स्टमक इज वेयर, हेयर इन योर लेफ्ट, स्टमक इज ऑन योर लेफ्ट साइड. ओके, उसके नीचे से यहां से होता हुआ ये थोड़ा राइट साइड जाता है टुवर्ड्स लीवर. ठीक है, इट इज हेयर. नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसमें एक एक्सेप्शन यू कैन राइट डाउन, ऑल्दो इट इज अ एंडोक्राइन ग्लैंड दैट वी आर यू नो लर्निंग, बट पैनक्रियास इज ऑल्सो एक्सोक्राइन. इट बिहेव और इट समटाइम्स, नॉट समटाइम्स, इट इज कंसिडर बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन. वाई सो? बिकॉज इट सिक्रीट इंजाइम्स ऑल्सो, डाइजेस्टिव इंजाइम्स, जो जू से निकालता है, जो आपने पढ़ा हुआ है, दैट्स वाई. बट हियर वी आर मेंशनिंग इट एज एंडोक्राइन ग्लैंड. अभी हम एंडोक्राइन वाली प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं इसकी, ठीक है, क्योंकि ये हार्मोन की हम बात करें कि हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं. सो वेयर इट इज प्रेजेंट? नियर लीवर, नियर लीवर, लीवर के पास, लेकिन कहां से होता हुआ आ रहा है? स्टमक से. ठीक है, इंसुलिन नाउ कौन सा हार्मोन ये रिलीज करता है? इंसुलिन. यस, इंसुलिन. क्या काम होता है इंसुलिन का, कोई बता सकता है? क्योंकि हमें कई एल्डर्स होंगे, दे मस्ट बी यू नो हैविंग सम प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस. आई विल टेल यू व्हाट प्रॉब्लम आई एम टॉकिंग अबाउट. सो बताओ इंसुलिन का क्या काम होता है, व्हाट इज द रोल ऑफ इंसुलिन? अमाउंट ऑफ शुगर इन ब्लड. इट बेसिकली कंट्रोल्स द लेवल ऑफ शुगर इन आर ब्लड. ओके, बट हाउ, कैसे करता है? यस बताओ बेटा. It secretes enzymes that break down sugar. इंसुलिन सिक्रीट्स एंजाइम. इंसुलिन, इंसुलिन इज इटसेल्फ अ हार्मोन ओनली. हाउ कैन हार्मोन सिक्रीट एंजाइम? Pancreas secretes enzymes. अगर पैंक्रियाज ने एंजाइम सिक्रीट किया है, वो तो एक्सोक्राइन बन गया, वो तो डाइजेस्टिव जूस में चले गए उसके एंजाइम, तो वो तो शुगर को नहीं अभी यहाँ पर कर रहे. अभी हम इंसुलिन पे फोकस करते हैं. क्या करता है इंसुलिन? इंसुलिन जो है, पहले तो यहाँ पर लिखो, इसके बाद यहाँ पर इसका जो काम है वो लिखो. इट कन्वर्ट्स जो ग्लूकोस है, इट कन्वर्ट्स ग्लूकोस इनटू ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन, इट कन्वर्ट्स ग्लूकोस इनटू ग्लाइकोजन. फिर ग्लाइकोजन से आगे हमें बेटा एनर्जी मिलती है, इट कन्वर्ट्स फर्दर इनटू एनर्जी. सो दैट इज हाउ इट कंट्रोल्स, क्योंकि शुगर ग्लूकोस तो रहा नहीं अब हमारी बॉडी में, इट्स कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजन. सो दैट्स हाउ द लेवल ऑफ शुगर इन आर बॉडी और इन आर ब्लड कंट्रोल. ठीक है, देन क्योंकि ये चीज कर रहा है, कन्वर्जन कर रहा है, तो वी कैन से इट कंट्रोल्स ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल. बिकॉज क्यों कर रहा है ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल? बिकॉज इट इज कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन. ओके, दैट्स व्हाई. अगर इंसुलिन की अब कमी हो जाए, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन रिजल्ट इन विच डिजीज? ये तो बहुत कॉमन है, डायबिटीज. यस, एवरीवन इज करेक्ट, इट इज डायबिटीज. डायबिटीज
इट इज डायबिटीज। डायबिटीज मतलब आपकी हमारे जो है ब्लड में हाई शुगर लेवल होना, क्योंकि ये कन्वर्जन इज नॉट हैपनिंग इन दिस केस। इन डायबिटीज केस ग्लूकोज इज नॉट कन्वर्टिंग इनटू ग्लाइकोजन एज एफिशिएंट एज इन नॉर्मल पर्सन। सो इन दिस केस हाई शुगर लेवल इन ब्लड In this high sugar level in blood, and because of that, you must heard that even COVID era में you must heard that जो लोग जिनको heart की problem थी, sugar की problems थी, they are more we can say जो कह सकते हैं sensitive to COVID, उनको COVID होने के ज्यादा chances थे और severe chances थे कि उनका बिगड़ सकता है। Why? Because of diabetes, a person has low immunity. उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, मतलब उसको जो जर्म्स हैं उससे लड़ने की ताकत उसकी बॉडी में कम हो जाती है। वो सही से लड़ नहीं सकती उसकी बॉडी, क्योंकि इतना शुगर हो जाता है कि वो जस्ट, अगर आप खुद सोचो, आप चीनी वाले पानी में, ठीक है, चीनी वाले पानी में बादाम रख दो, ठीक है, तो क्या होगा, कुछ देर बाद उसकी स्किन जो है फटने लगेगी, खराब होने लगेगी, ठीक है। ज्यादा चीनी अगर डाल दो वो चीजें खराब होने लगती है। सो दैट्स वाई शुगर जहां ज्यादा होगी बेटा वो चीज सड़ाने लगती है। आई नो इट एक्ट एज प्रिजर्वेटिव इन सम कंडीशन ऑल्सो, बट इन केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वी कैन टेक एग्जाम्पल, तो वो सड़ाने लगेगी। ज्यादा चीनी होगी तो वो चीज सड़ने लगेगी, ठीक है, गल जाता है, गलना शुरू हो जाता है। नाउ कमिंग टू एड्रीनल्स। अच्छा, एड्रीनल्स हमने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। एड्रीनल्स का मुझे पूछना है, आई एम गोइंग टू आस्क 8B22 रोल नंबर, 8B22 रोल नंबर। यस, 22 रोल नंबर इज प्रेजेंट। 8B बेटा माइक ऑन करो। यस, सो बेटा टेल मी वेयर एड्रीनल ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। नियर द किडनीज, नियर नियर द किडनीज, द किडनीज, यस किडनीज के नियर थे या अबव थे, ऊपर थे या नीचे थे, तो अब नियर नहीं हुआ तो क्या कहेंगे, छाता अगर हम लेते हैं, अम्ब्रेला लेते हैं, ऊपर लेते हैं या नियर, ऐसे कहते हैं अबव कहते हैं ना, ऊपर होता है हमारा छाता, अगर हम रेन हो रही है तो वी टेक इट लाइक दिस, नॉट लाइक दिस, नॉट लाइक दिस, नॉट लाइक दिस, हम सीधा लेते हैं ना। यस सो एड्रेनल इज ऑल्सो अबव द किडनीज, ठीक है, सिट डाउन। सो राइट डाउन अबव द किडनीज। एक्सक्यूज मी, आपने यस ग्लैंड में एड्रिनल का हार्मोन लिख यस बेटा, दिया, आपने फोर्थ नंबर पर जो ग्लैंड लिखा है वहां पर आपने उसका हार्मोन लिख दिया एड्रिनल का, फोर्थ फोर्थ नंबर पे टेबल पे आपने देखा। ओके 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 ओके, थैंक्स थैंक्स फॉर करेक्टिंग दिस। यस, एड्रीनल, इट्स एड्रीनल एंड द हार्मोन इज एड्रीनालिन। ओके, थैंक्स फॉर करेक्टिंग बेटा। यस, सो इट अबव द किडनीज, ठीक है, किडनी के दोनों तरफ हमने स्ट्रक्चर किया था, और द हार्मोन दैट इट सिक्रीट दैट इज एड्रीनालिन, इट इज एड्रीनालिन। अब जो है एड्रीनालिन का क्या काम होता है, मैं सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताऊं इसका। अभी मैं आपकी क्लास में से किसी एक को उठाती हूँ और कहती हूँ मुझे जो है यू हैव टू एक्सप्लेन मी अबाउट एनी एक्स वाई जेड टॉपिक। सो थोड़ी देर के लिए क्या होगा, हार्ट बीट इट इट बिकम नॉर्मल और योर हार्ट स्टार्ट बीट लिटिल बिट फास्ट, बताओ, हार्ट बीटिंग इंक्रीजेस हो जाती है, थोड़ी सी नर्वस होने लगते हो। यस, इट्स एन ह्यूमन नेचर, है ना। क्लास में अगर आपका वाइवा है, आपका नंबर आने वाला है, तो क्या होता है, हार्ट स्टार्ट बीट फास्ट। यस, होता है ना। अगर, या फिर एक और एग्जांपल ले सकते हैं, आप नॉर्मल गली में जा रहे हो, अचानक से कुत्ते आ जाते हैं, डॉग्स स्टार्ट बार्क, तो क्या होगा, हार्ट वैसे बीटिंग वो हो जाता है, इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, यू हैव टू यू नो बी अलर्ट, है ना, कि ये मेरे पास ना आ जाए, काट ना ले, लाइक दिस।
अब यहाँ पर कौन सा हार्मोन है जो आपकी इमरजेंसी कंडीशन में आ रहा है? एड्रीनालिन, एड्रीनालिन, एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन. इट इज आल्सो कॉल्ड इमरजेंसी, आपको एकदम अलर्ट कर देता है, ठीक है, कि समथिंग इज गोइंग अनयूजुअल, कुछ अलग सा होने वाला है. इट कैन बी योर वाइवा, इट कैन बी योर एग्जाम, इट कैन बी, और वी कैन से डिफेंस सिचुएशन. सो एड्रीनालिन वर्क्स देयर, ठीक है. सो इसके अलावा इट मेंटेन सॉल्ट लेवल इन आर ब्लड, मेंटेन्स सॉल्ट लेवल इन ब्लड, ओके. अगर सॉल्ट लेवल को कंट्रोल कर रहा है तो ये हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा. तो आपने सुना होगा घर में अगर किसी को हाई बीपी होता है तो हम कहते हैं नमक कम खाओ. तो नमक का बीपी से रिलेशन है, ब्लड प्रेशर इज रिलेटेड टू द सॉल्ट. सो हियर वी कैन सी इट ऑल्सो कंट्रोल ब्लड प्रेशर. आपको क्या लगता है जब आपका वाइवा होता है या फिर जैसे हमने डॉग वाली कंडीशन कही है उसमें आपका ब्लड प्रेशर लो जाता है या हाई होता होगा? हाँ हाई होता है ना, क्योंकि ब्लड तो बहुत जल्दी जल्दी सर्कुलेट करने लग पड़ा है ना, भागने वाली सिचुएशन हो जाती है जल्दी 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 जल्दी, है ना. तो एड्रिनालिन आपका और क्या कर रहा है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर देता है. इट इंक्रीज बट इन गुड वे, अगर ये गुड कंडीशन में है, ठीक है. अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है देन इट्स पीक, तभी एकदम ऊपर जाएगा जब बीमारी हो जाती है जिनको आगे एज में, ठीक है. सो ओवरकम स्ट्रेस कंडीशन, ओवरकम स्ट्रेस इन इमरजेंसी कंडीशंस. सो इमरजेंसी कंडीशंस हमने अभी ली थी, सो दोज आर द कंडीशंस एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन. और एड्रिनल्स को हम कहते हैं इमरजेंसी ग्लैंड. और इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रहेगा, इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर जो लोगों की बीमारी हो जाती है, इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर. एक्सक्यूज मी मैम, यस बेटा, एड्रेनल ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड फ्राइट एंड फ्लाइट ग्लैंड. ग्लैंड, यस, हार्मोन. इसी का मतलब यही हो ना, जो हम इमरजेंसी कर रहे हैं, फ्लाइट करना या फाइट करना. अगर आपके सामने डॉग आ गया है, बात कर रहा है आपके सामने, या तो आप ऐसे सीधे खड़े रहोगे है ना कि वो अपने आप चला जाएगा, या तो उसको एक पत्थर मारोगे या फिर उसको खुश करोगे कि वो साइड हट जाए, तो वहां पर आपने फाइट की. सो दैट इज वाई वी कैन से इट्स फ्लाइट एंड और फाइट हार्मोन, ठीक है. या तो डिफेंस करोगे या तो अटैक करोगे. सो इज इट क्लियर सबको, एड्रिनालिन का अच्छे से फंक्शन पता लग गया? यस यस, दैट्स गुड. सो नाउ ये हो गया बेटा, हैव यू डन दिस? यस यस, यस ओके. शैल आई मूव? यस सो नाउ लास्ट टू हार्मोन्स आर लेफ्ट. तो दोज आर रिलेटेड टू द गैमेट्स, ओके. दोज आर रिलेटेड टू द गैमेट्स. तो ग्लैंड्स, फिफ्थ इज टेस्टिस, टेस्टिस इट इज प्रेजेंट इन द स्क्रॉटम, इट इज प्रेजेंट इन स्क्रॉटम एंड इट सिक्रीट हार्मोन टेस्टोस्टीरोन, टेस्टोस्टीरोन, टेस्टोस्टीरोन ये सिक्रीट करता है. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टीरोन? इसके दो फंक्शन है, इसके टू फंक्शंस हैं, सेकेंडरी अच्छा सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स इन मेल्स
नाउ हु कैन टेल मी अबाउट द सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते गए. आपके चैप्टर हो चुका है ना, सो टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. ग्रोथ ऑफ हेयर, दैट इज वी कैन से व्हाट वी कैन सी, है ना, जो हमें दिख रहा है. मगर इसका मतलब क्या होता है व्हेन वी आर सेइंग सेकेंडरी. एक्टर विच आर प्रेजेंट इन अ फिजिकल अपीयरेंस एंड वी कैन बी विजिबल। ओके विजिबल दैट्स फाइन, बट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक बेटा मतलब होता है. यस एट थी, आई कैन सी हैंड. यस बेटा आ जाओ. बेटा जूम से माइक ऑन करो पहले. characteristics that have the main role to become capable of reproduction रिपीट बेटा रिपीट. and characteristics that make male reproduction आपके ना माइक थोड़ा सा वो कर रहा है, थोड़ा सा दूर खड़े होके बोलना माइक सीधा. हाँ अब बोलो. and characteristics that make male reproduction बेटा आपके माइक से बहुत डिस्टरबेंस आ रही है एक्चुअली. बोलो बोलो। That doesn't participate directly in a reproduction. That is what you said. Yes. Okay. So that's also fine. But here is the sitcom, beta. But here is the difference. Secondary, when we are saying secondary sexual characteristics, means that is different in male and females. That differentiate male and female. But these secondary sexual characteristics is not participating in reproduction. ये reproduction का जो process है, these are not involving in that. They are not participating in that. If boy is having beard, it is not their primary sexual characteristics. Okay? So if girl started menstruating, it is not, we can say कि हाँ अब जो है वो रिप्रोडक्शन इज, और यू कैन से प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक. सो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स इज अ पार्ट ऑफ देयर प्यूबर्टी, ओके, एडोलेसेंस, ओके, बट दीज आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन. ओके दैट इज वाई दिस टर्म, यू नो, हमने इसे एक टर्म दिया सेकेंडरी. ओके दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी. These are not participating in reproduction. Okay? Now, जो secondary sexual characteristics है, जैसे आपने बोला क्या क्या है, हेयर ग्रोथ, बोन की ग्रोथ होना, क्योंकि हमारा साइज बढ़ता है दैट टाइम, हाथ और हाइट जो है हमारी मोस्टली इसी टाइम बढ़ती है, ठीक है, जब हम एक एज में आते हैं. और एक और चीज जो हम सबको शायद से पसंद नहीं है, स्टिल इट हैपेंस, ऑयली स्किन हो जाती है, पिंपल्स ग्रो होते हैं, एक्ने कईयों में, ठीक है. सो दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू दिस कि सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स, दीज आर द सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक. सो यू कैन नोट डाउन सेकेंडरी में आप लिख सकते हो हेयर ग्रोथ, ओके, हेयर ग्रोथ, फेशियल हेयर, इलोंगेशन ऑफ बोन्स, डेवलपमेंट ऑफ मसल्स, मोर स्वेट और ऑयल ग्लैंड, मोर स्वेट और ऑयल ग्लैंड. और टेस्टोस्टेरोन गैमेट, मेल गैमेट यानी स्पर्म को भी बनाता है. अब इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा बेटा, इसी का ऑपोजिट होगा. अगर टेस्टोस्टेरोन कम होगा तो क्या होगा, हेयर ग्रोथ नहीं होगी, ओके, बॉयज में कईयों में हेयर नहीं आएंगे, हाइट छोटी रह सकती है, ठीक है, और स्पर्म की क्वांटिटी भी और क्वालिटी सही नहीं हो सकती. ओके सो दैट इज अ सिम्टम ऑफ दिस. नाउ कमिंग टू सिक्स्थ, सिक्स्थ इज ओवरीज. ओवरीज आर इन फीमेल, ठीक है, फीमेल में होती है. कहाँ प्रेजेंट होती है, पेल्विक कैविटी, इट्स इन पेल्विक कैविटी, ओके, पेल्विक एरिया यहाँ नीचे होता है स्टमक से नीचे, ठीक है, दैट इज पेल्विक कैविटी. तो यहाँ पर लेफ्ट और राइट साइड में बेटा हमारे जो है ओवरीज प्रेजेंट होती है.
दोनों ओवरीज एक लेफ्ट में है और एक राइट में। ये क्या करती है? अगेन टू हार्मोन्स, एस्ट्रोजन ये एंड प्रोजेस्टेरोन, इसको सिक्रीट करती है, दीज टू हार्मोन्स। ओके, अगेन एस्ट्रोजन का काम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया। और फीमेल में एग को प्रोड्यूस करना, एग प्रोडक्शन। प्रोजेस्टेरोन का काम इज लिटिल डिफरेंट। प्रोजेस्टेरोन का काम है जो ग्रोथ, प्रेगनेंसी है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रोजेस्टेरोन इज बेसिकली प्रेगनेंसी हार्मोन। इट बेसिकली हेल्प्स इन थिकनिंग ऑफ यूटेराइन वॉल, जो यूट्रस है उसकी वॉल को मोटा रखना। मोटा होएगा देन ही इम्प्लांटेशन होगी, यूट्रस में बेबी जो है वो ग्रो कर पाएगा। तो प्रोजेस्टेरोन इज दैट। तो प्रोजेस्टेरोन मेंटेन्स थिक यूट्रस वॉल। अगेन अगर एस्ट्रोजन की कमी हो जाएगी तो एग प्रोड्यूस नहीं होंगे, मेंस्ट्रुएशन में प्रॉब्लम आएगी। अगर जो है जो यूट्रस की वॉल है वो थिक नहीं होगी तो क्या होगा? मिसकैरेज, अबॉर्शन, वो होने के चांसेस होंगे। क्योंकि अगर वॉल थिक नहीं है तो अगर आपकी सपोज करो आपकी जो दीवार आपके घर में है वो मोटी नहीं है और उस पर आप कील लगाओगे, वॉल कुछ टंगाना है आपने, ठीक है, यू वॉन्ट टू यू नो कि कोई फोटो हैवी से लेके आए और वो लगाएंगे, अगर वॉल ही कच्ची है तो क्या होगा? जो इमेज आप लगा रहे हो, जो आप पिक्चर लगा रहे हो, वो नीचे गिर जाएगी। बिकॉज योर वॉल कांट होल्ड दैट पिक्चर, दैट फ्रेम, बिकॉज इट्स, अगर वो खुद ही वीक है तो कैसे वो होल्ड करेगी? बट इफ वॉल इज गुड, वॉल इज थिक स्ट्रॉन्ग, देन इट कैन होल्ड दैट फ्रेम। सिमिलरली इफ यूटरिन वॉल इज थिक, दैट ओनली देन इट कैन होल्ड द बेबी, ठीक है। सो दैट्स द रीजन। इज इट क्लियर? ये हार्मोन सारे और ग्लैंड्स क्लियर है? रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर एवरीवन। इफ इट्स क्लियर रेज योर हैंड। यस, ओके, दैट्स गुड। सो यू हैव योर वर्कशीट विद यू? सबके पास वर्कशीट है? मैम नो, अभी सबके पास नहीं है? अभी अभी वर्कशीट नहीं मिली है? ओके, सो ओके, एक सिंपल क्वेश्चन पूछती हूँ। इन एडिशन टू ह्यूमंस, ओके, इन एडिशन टू ह्यूमंस अदर एनिमल्स ऑल्सो हैव एंडोक्राइन ग्लैंड्स। Do other animals also have endocrine glands? So for this, I am Rupovit. C section से 15 रोल नंबर। C section 15 रोल नंबर। Present or not? Yes, बेटा आ जाओ। So what do you think, बेटा? Like humans, Do other animals also have endocrine glands? बेटा बेटा सीधा देखो और बोलो। हाँ, इसको ऑन रखो, ऑफ मत करो माइक को, कीप इट ऑन। इसको दबा के एक बार ऑन कर दो माइक को बेटा, जो आपके हाथ में है। हाँ, अब बोलो। Can you give me an example? If you नो अब नो हो गया बेटा, आंसर तो एक ही होगा ना, ये तो यस होगा या नो होगा। यस आंसर यस है आंसर, बट आपको अभी कोई एग्जाम्पल नहीं पता, दैट इज व्हाट यू से। यस ओके बेटा, सिट डाउन, सिट डाउन। नाउ फ्रॉम 8D 7 रोल नंबर, 8D 7 रोल नंबर, कम फॉरवर्ड बेटा।
यस बेटा, कैन यू एक्सप्लेन और गिव रीजन ऑफ दैट क्वेश्चन? लाइक ह्यूमंस, डू अदर एनिमल्स ऑल्सो हैव एंडोक्राइन ग्लैंड? तो ही सेड यस एंड दैट इज करेक्ट आंसर, बट आई नो द रीजन, और यू कैन से कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ दिस? आप सभी ने वो पढ़ा हुआ है जो मैं अभी आपसे पूछ रही हूँ. यू ऑल हैड यू नो डन दैट, सभी ने किया हुआ है. इट्स वेरी इजी. आई जस्ट यू नो रीफ्रेम द क्वेश्चन, मैंने सिर्फ क्वेश्चन को घुमाया है, नथिंग एल्स. और ये मैंने स्टार्टिंग में पूछा है क्वेश्चन, आई हैव आस्क्ड यू. ओके बेटा सिट डाउन. 8 थी से 11 रोल नंबर, 11 रोल नंबर. यस बेटा, कैन यू गिव मी द एग्जांपल? अच्छा, किस किस को इसका आंसर आता है पहले तो वो हैंड रेज करो. ओके, 8th F से मिडिल रो थर्ड गर्ल, आ जाओ बेटा, आपका हैंड रेज था, आ जाओ. मम्मी यस, अदर एनिमल्स आल्सो हैव एंडोक्राइन ग्लैंड्स, बिकॉज फॉर एग्जांपल फ्रॉग हैज थायराइड ग्लैंड विच सिक्रीट्स थायरोक्सिन हार्मोन. Yeah, that's good. That was what I am asking for. यही मैं पूछ रही थी, क्योंकि यही हमने स्टार्टिंग में किया था, बस मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया. सो क्वेश्चन तो बेटा चेंज हो सकता है. यू शुड नो व्हाट क्वेश्चन इज, यू नो दे आर आस्किंग यू. ठीक है, क्वेश्चन वॉज सेम, ओनली इट वॉज जस्ट रीफ्रेम्ड. ओके, सो यस, इन फ्रॉग, ठीक है, टैडपोल से वो चेंज होता है एडल्ट में. इसके अलावा एक और में होता है कोई एग्जाम्पल? 8 GS. Yes, in dogs. Okay, let's come to your syllabus. Firstly, it's in butterflies also, insects also. So let's stick to your syllabus. अब आ जाते हैं ह्यूमंस. अगर हम अपनी बात करें, हमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होती, लेकिन स्टिल ग्रोथ होती है. सो लेट्स मेक दिस फ्लो चार्ट फास्ट. स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ. सबसे पहले और सबसे फास्ट जो है दैट इज इन्फेंसी. जो बच्चा छोटा सा होता है, 0 ईयर टू 2 ईयर्स, सबसे ज्यादा फास्ट ग्रोथ यू कैन सी इन दिस फेज. क्योंकि हमें इसमें दिखता है, पहले बच्चा छोटा सा होता है, दिखता भी नहीं है, बोलता भी नहीं है, दांत भी नहीं होते, चलता भी नहीं है, लेकिन विद इन 2 ईयर्स ऑफ स्पैन दांत भी होते हैं, बोलता भी है, चलता भी है, एवरीथिंग इज इन देयर. ठीक है, सेकेंड इज चाइल्डहुड, चाइल्डहुड स्टेज दैट इज 2 to 11 ईयर्स. देन द स्टेज इन विच यू ऑल आर, दैट इज एडोलेसेंस. और एडोलेसेंस को टीनेजर भी कहते हैं, बिकॉज मोस्टली वी से दैट 13 to 19 ईयर्स तक ये होती है. ठीक है, तो इसलिए क्योंकि टीन आ गया, सो दैट्स व्हाई वी से टीनेजर्स आल्सो. सो वी कैन से 11 to 19 ईयर्स. और इसमें क्या होता है बेटा, ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. सेक्सुअल मैच्योरेशन, सेक्सुअल बेटा शोर नहीं, शोर नहीं. नेक्स्ट आ जाता है जब हम इस स्टेज को पार कर लेते हैं, दैट इज एडल्टहुड. तो ये भी 19 ईयर्स के बाद जितनी एज है दैट इज एडल्ट. सो एडल्टहुड, सो एडल्टहुड इज आफ्टर 19 ईयर्स.
एडल्टहुड। अब जो एडोलेसेंस में भी हो आप, उसमें एक और स्टेज होती है, दैट इज कॉल्ड प्यूबर्टी। प्यूबर्टी इज अ स्टेज और ए पीरियड अंडर एडोलेसेंस, ठीक है, उसी के अंदर एक होता है। उसमें क्या होता है प्यूबर्टी में बेटा, इफ वी से और वी टॉक अबाउट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी इज अ स्टेज इन एडोलेसेंस जिसमें दो चीजें होती है, जिसमें क्या होता है सेक्सुअल मेच्योरिटी आती है, ठीक है, गैमेट्स बनने स्टार्ट होते हैं, और ये टू हार्मोन से कंट्रोल होता है, ग्रोथ हार्मोन एंड सेकेंड इज सेक्सुअल हार्मोन्स। टू हार्मोन्स कंट्रोल, और सेक्सुअल और सेक्स हार्मोन्स वी कैन से। इट इज कंट्रोल्ड बाय टू हार्मोन्स, ग्रोथ एंड सेक्स सेक्स हार्मोन्स, ठीक है। सो प्यूबर्टी इज ए स्टेज विद इन एडोलेसेंस जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो पार्ट है गेट्स मेच्योर, मेल एंड फीमेल स्टार्ट्स टू प्रोड्यूस गैमेट्स, गैमेट्स बनने स्टार्ट होते हैं, इन मेल इट्स स्पर्म, इन फीमेल इट्स एग, ठीक है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो इज इट क्लियर एवरीवन? तो बेटा कल आपने असाइनमेंट, आपको शायद से कल तक मिल जाए, ओके, तो आपने ट्राई टू सॉल्व दिस दिस एटलीस्ट दिस टेबल, क्योंकि ये टेबल आज हमने किया है, तो जब आपको मिल जाएगी ट्राई टू सॉल्व दिस टेबल, ठीक है, इसको करके आना, वी विल डिस्कस इट ओनली, ओके। सो नाउ वी विल मीट टुमारो, ओके, बाय स्टूडेंट्स।